पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से लामबंद हो गए हैं। सरकारी कर्मचारी हल्द्वानी में 19 फरवरी को क्रांति रैली के जरिए हुंकार भरेंगे। पौड़ी में ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। संगठन के जिलाध्यक्ष का कहना है कि संगठन का लक्ष्य सूबे में ओपीएस को बहाल करवाना है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। उन्होंने ओपीएस बहाल न होने पर बीजेपी सरकार को 2024 में खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। पौड़ी से खबर, सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से लामबंद है। ओपीएस बहाली के लिए लामबंद हुए हैं। क्रांति रैली का ऐलान कर दिया है इन्होंने। हल्द्वानी में क्रांति रैली का आयोजन होगा। 19 फरवरी को निकाली जाएगी रैली। तो मुख्य रूप से जो हमारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार उस पर हम विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो रैलियां हों, चाहे ज्ञापन हों, चाहे जनप्रतिनिधियों से मिलना हो, लगातार इस पर चल रहा है। और इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारा 19 फरवरी को हल्द्वानी में एक क्रांति रैली है उसकी, तो उसकी तैयारियों हेतु भी हम आज यहाँ पर हमारे विभिन्न विभागों के और संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और उनके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि 19 फरवरी की रैली को आप सफल बनाएं, और जिससे कि एक संदेश सरकार तक जाए कि पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रांतीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष नामित किया। हम लोगों का मिशन 2024 से पूर्व पुरानी पेंशन बहाली का है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, जो दो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं हो पा रही है? तो एक गलत मैसेज इससे जा रहा है कि भाजपा सरकार जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक विरोधी कार्य कर रही है।